कैसे हैं? सब ठीक है ना? सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरा चाय नाश्ता सब हो गया, अब ये नाश्ता हो रहा है दवाई। और अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, देखिए स्वेटर पहन ली विशाखापट्टनम में, ठंडी लग रही है थोड़ी, आवाज से भी लग रहा है ना, तो ये दवाई खा रही हूँ। आपको फीवर कफ हो गया है ना? और ये सुसुम पानी है, सुसुम पानी। न गर्म है न ठंडा है, इसको बोलते हैं सुसुम पानी। हाँ तो देखिए मैं अपना उपाय कर रही हूँ। आज फिर से रसम बना रही हूँ, ये देखिए ये रसम बना रही हूँ। तो इसके लिए प्याज काट ली हूँ, लहसुन और काटना है, करी पत्ता है, और टमाटर काटूंगी, और इसमें वो तड़का मारूंगी, ये उबलेगा। इसमें इसको ना क्या डाला आपने इसमें? इमली को ना भिगा के, पता है ना, मैं बताई हूँ पहले, आप मेरा ब्लॉग देख लीजिए, एक बना हुआ है रसम का, आज फिर से बना रही हूँ रसम, सर्दी है इसलिए, बोलते हैं यार रसम थोड़ा थोड़ा पियेंगे ना अच्छा होता है, तो उसके लिए बना रही हूँ रसम। तो इमली भिगा दी थी गर्म पानी में, फिर उसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के वो पूरा छान ली, छन्ने से छान के फिर इसमें हल्दी नमक डाल के और इसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ। अच्छे से बॉयल होगा फिर मैं तड़का मारूंगी इधर। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, हम इसको तड़का उड़का मारेंगे, वो भी दिखा देंगे और क्या क्या कर रहे हैं पूरा। ये सब साफ सफाई कर ली हूँ, देखिए ये सब साफ करके खाली कर दी हूँ, चटनी खाली कर दी हूँ, आज इडली चटनी बना है, नाश्ता मैं कर ली और बचा हुआ है अभी इधर, काम इडली वाली आएगी तो काम करेगी। इधर इडली बना है, चटनी है, ये दलिया है, मीठा दलिया, दलिया का खीर जो आप लोग देखे थे वैसे ही बनाई, खूब किशमिश वगैरह डाल के मस्त मस्त। तो ये हमारी अनामिका जी नाश्ता करेंगी दलिया। तो माँ का प्यार। आप लोग बने रहिए वीडियो में, और हम दिखाते ही रहेंगे धीरे धीरे करके क्या क्या कर रहे हैं आज। आज लहसुन लहसुन आज खत्म हो गया है। तो कुछ भी काम करते हैं ना उसमें भगवान देखते हैं ना, तो हम ना वो साफ कर रहे थे थोड़ा, तो उसमें दो बड़ा बड़ा जवा मिल गया लहसुन का टुकड़ा। तो हमको हो गया बनाने के लिए, देखिए। कुछ वेरी कुछ भी काम करते हैं ना, निस्वार्थ करते हैं तो भगवान हमारा वो करते हैं, क्योंकि हमारी पोती बोलती रहती है दादी रसम नहीं बनाती हो, आती है तो बैग फेंकती है और फिर मेरे ऊपर चिल्लाने लगती है, देखिए इतना सारा लहसुन हो गया, लहसुन नहीं था एक तो जवा था, देखिए इतना हो गया। ये देखिए तड़का मार रही हूँ रसम का, एक तरफ उबल रहा है एक तरफ, थोड़ा तेल डाल दी, थोड़ा सा डाल देती हूँ, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। देख लो सरसों, क्या डाला आपने? और ये जीरा, और ये लहसुन, थोड़ा सा लहसुन वो हो जाए, उसके बाद कभी पत्ता, लहसुन का हो गया तो करी पत्ता डाल दिया। देखो असल में इसमें लाल मिर्च डालते हैं, लेकिन हम लाल मिर्च नहीं खाते हैं, तो इसमें हरा मिर्च डालूंगी,
लेकिन प्याज पहले डाल देती हूँ। इसका मैं रेसिपी पहले बता चुकी हूँ। आज रसम बना रही हूँ कि चटकारे ले लेके खाऊंगी। साउथ का रसम जो मुंह खराब हो जाता है ना, तो ये मुंह ठीक कर देता है। इसलिए इधर लोग ना कोई कोई देखती हूँ कि रसम पीते हैं, जब सर्दी उर्दी होता है तो थोड़ा थोड़ा पीते हैं। मेरे भी दिमाग में आया थोड़ा रसम बना लेती हूँ। देखिए ये तड़का लग गया। रसम भाई रसम पी लो भाई रसम। अबे और थोड़ा खोल जाएगा, हो गया रसम। कोई कोई रसम पाउडर डालता है, हम रसम पाउडर नहीं डाले हैं, ऐसे ही हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। अब ये थोड़ा सा खोल जाएगा, हो गया रसम। दीपिका पादुकोण भी रसम बहुत चटकारे लेके खाती है। चटकारे वाला होता ही है। ये देखिए आज फिर से मैं रसम बना ली। तो जिसको जिसको भी रसम खाने का मन है, हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जब भी सर्दी हो रसम बनाइए, थोड़ा सा पी लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। गरम गरम रसम पीजिए। बाय।